हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बटरफ्लाई को बनाना सीखेंगे, तो चलिए वीडियो में बने रहें। एक कोई फ्रेंड है जो कमेंट करती थी कि दी बता दो बटरफ्लाई बनाना, तो आज की वीडियो में हम उसी को सीखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। इस तरह से जो हमने स्टार्टिंग किया है बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन, इसे आज हम सीखेंगे। तो इसे मैंने पूरा कर लिया है, तो मैं इस पट्टी में बैक साइड से बनाकर दिखाती हूँ। आई होप आप समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें जास्मिन फ्लावर वाला हमने लरी गिराया है, इसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन सीखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो साइड से हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़कर बनाया है, इसमें लरी गिराएंगे, तो इसी तरह से छोड़ देंगे जब आप इसे स्टार्ट कीजिएगा तो। और इसका स्टार्टिंग बैक पार्ट से होता है, फ्रंट साइड से हमारा बटरफ्लाई का शेप बनता है, तो इसे इस साइड से बनाएंगे। बैक साइड से स्टार्ट होगा इसका, तो चलिए यहाँ से हम बनाकर स्टार्ट करते हैं। तो तोरण पट्टी के एक लाइन में हमें फर्स्ट में चार डबल क्रोशेट बनाना है, तो चलिए हमने एक चैन बनाया है, थ्री चैन लेकर जो एक डबल क्रोशेट के बराबर होगा, दो डबल क्रोशेट, तीन, एक और बनाएंगे, तो चार डबल क्रोशेट हुआ। तो इस तरह से चार डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और एक लाइन को स्किप कर देंगे, यानी तोरण पट्टी की एक लाइन को छोड़ देंगे और दूसरे लाइन से यहाँ से फिर एक डबल क्रोशेट, फिर तीन चैन और वापस इसी जगह से एक और डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमें वी स्टिच बनाना है, फिर तीन चैन लेंगे और एक लाइन छोड़ेंगे और दूसरे लाइन से बटरफ्लाई के बीच में जो हमने पट्टी बनाया है उसे बनाएंगे, तो चार डबल क्रोशेट बनाएंगे, चार डबल क्रोशेट बनानी है हमें, फिर तीन चैन लेंगे, फिर एक लाइन को छोड़ेंगे और दूसरे लाइन से एक डबल क्रोशेट, फिर तीन चैन, फिर एक और डबल क्रोशेट। तो फ्रेंड्स, यही प्रक्रिया चलते रहेगा। तो हमने फाइव यानी पांच बटरफ्लाई बनाकर एक डिज़ाइन तैयार किया है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो चलिए, इसमें हमें बटरफ्लाई बनाना है, सीखना है, तो हम दो बटरफ्लाई बनाएंगे। यहाँ से हमें टर्न कर लेना है, तो हमें इसमें सीखना है कि किस तरह से बनता है। तो चलिए यहीं से इसे स्टॉप कर देते हैं, दो ही बनाएंगे, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा जैसे बना हुआ है। तो यहाँ से हमें टर्न कर लेना है और साइड का पट्टी तैयार कर लेना है, चार डबल क्रोशेट बनाकर, चार डबल क्रोशेट तैयार कर लिया। अब हमें चैन नहीं लेना है, बिना चैन के ही जो हमने वी स्टिच तैयार किया है, दो डबल क्रोशेट बनाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से फंदे लेंगे और इस वाले से हमें एक फुल पफ स्टिच तैयार करना है, तो चलिए इसमें से फंदे लेंगे, एक दो
तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। तो दस फंदे ले लेंगे। अब इसमें से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, पांच या छः बार में निकाल देंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, इस तरह से लॉक कर देंगे। फिर इस चैन के अंदर से एक, दो, तीन, तो तीन डबल क्रोशेट हमें बनानी है। तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे। एक चैन लिया, वापस तीन डबल क्रोशेट और बनाना है। एक, दो, तीन। तो इस तरह से बना लेना। अब हमें इस वाले से, इस साइड के डबल क्रोशेट के बीच से दस बार फंदे लेने हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि बनाकर बता दीजिए, तो मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। अब हमें फिर से इसे लॉक कर देना है। तो इस तरह से एक बटरफ्लाई हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इस वाले पट्टी में फिर से हमें चार डबल क्रोशेट बनाना है। सभी डबल क्रोशेट के ऊपर से डबल क्रोशेट बनाना है। तो बटरफ्लाई के बीच में हमें पट्टी देनी है, देख सकते हैं। तो इसे बनाकर फिर से इसमें बटरफ्लाई बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे, तो चलिए वीडियो में बने रहे। फिर से यहाँ से बनाएंगे बिना चैन लिए हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। तो दस फंदे लेने हैं हमें, फिर से इसे लॉक करना है। तो इसे लॉक करके लेंगे। बहुत ही प्यारा लग रहा है। जब यह पलंग पोस्ट पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स, मैं उसका भी वीडियो लेकर आऊँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आए और अपने घर के लिए ज़रूर बनाएं। तो फिर से तीन डबल क्रोशेट बनाना है, फिर एक चैन, पुनः तीन डबल क्रोशेट बनाना है और फिर से इस वाले फंदे से बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, यानी टोटल टेन टाइम हमें फंदे लेने हैं। फिर इसे थोड़े थोड़े करके लॉक कर देंगे। फिर हमें यहाँ से फोर डबल क्रोशेट बनाना है। वन, टू, थ्री, फोर। तो इस तरह से हमारा एक बटरफ्लाई बनकर तैयार हो गया। तो दो लाइन में यह बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने किस तरह से बनाया है, घटाकर बनाया है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, पहले वाले वीडियो में। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तीन चैन लेंगे और पट्टी तैयार करेंगे। फिर से तीन चैन लेंगे। एक,
दो तीन, तीन चैन लेकर जो हमने एक चैन लिया था यहाँ से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर तीन चैन लेंगे, फिर एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे, देख सकते हैं, फिर एक तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, और यहाँ से फोर डबल क्रोशेट बनाएंगे, और हमें यहीं से टर्न कर जाना है। एक एक बटरफ्लाई को हमने स्किप कर दिया है, तो इस तरह से अब हमारा इस लाइन में एक ही बनेगा। तो फ्रेंड्स हमने दो ही बटरफ्लाई स्टार्ट किया है, जैसे दिखाती हूँ, टोटल इसमें पाँच है, तो एक एक करके घटाया है, फर्स्ट रो में एक, फिर सेकेंड में थर्ड फोर, इसी तरह से हमें घटाना है। तो यहीं से हमें टर्न कर जाना है और एक को हमें छोड़ देना है। तो चलिए इसे भी बनाकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इसे बनाना, अगर आप क्रोशेट चलाना जानते हैं तो आप इसे आसानी से बना लेंगे, और अपने घर में पलंग पोस यानी पलंग के लिए ज़रूर बनाएं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट करके इसका वीडियो लेकर आऊँगी, बस थोड़ा ही इसका काम बचा हुआ है, और मैं अपने भाभी के लिए बना रही हूँ, आप भी बनाइए। तो इस तरह से लॉक कर लेना है, फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करके बनाना है। तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे और बीच में एक चैन लेंगे, और इसी चैन के बीच से हमें एक जास्मिन वाला लॉरी को यानी झालर गिराना है। तो फ्रेंड्स हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखें, इसका और भी पार्ट अपलोड है, तो आप चैनल पर जाकर देखिए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। कमेंट में आ रहा था कि शुरू से बटरफ्लाई बनाकर बताइए, तो आज मैं इसका वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस तरह से बनकर तैयार है, फिर बिना चैन लिए हुए साइड का पट्टी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आप मेरे एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो देख सकते हैं कैसा बना है, आई होप आप समझ गए होंगे, जो फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे खासकर उनके लिए है। तो देख सकते हैं इसी तरह से हमने बनाया है, इस साइड आपको सिखाने के लिए उस साइड हमने बनाया है, कहे कि इस साइड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह से स्टार्ट करेंगे और एक एक बटरफ्लाई को घटाकर लेंगे, और इसमें जास्मिन फ्लावर बनाना हमने पहले ही सिखा दिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, थैंक यू।